क्या कर रही है? वाओ, तूने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया है? मैं भी करवाऊंगी। हाँ, तो मैंने जिस पार्लर से किया है वहीं से करा दे। पर कितना पैसा लगा तुझे? ज्यादा नहीं, मेरे बालों के लिए बस 8,000। क्या 8,000 इतने छोटे बालों के लिए? मुझसे तो 20 या 25,000 लूट ही लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। चुप कर, हमेशा भागा करके रोती रहती है। हमारे दोस्त लोग क्या सोचेंगे? और ये स्ट्रेटनिंग भी ना मैंने घर पे किया है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। हाँ हाँ, एक 250 होम रेमेडी है जिससे बाल कितने भी कर्ली, टूटे फूटे, बिखरे हुए क्यों ना हो, एकदम स्ट्रेट बन जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को प्लीज 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड, हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क, यानी के कच्चा दूध। इसके लिए सबसे पहले हमें पैन चाहिए। ये ले। अरे पैन नहीं, पैन। ठीक से बोलना चाहिए ना। अब दूध को गर्म करना है, पर याद रखिए फ्रेंड्स, इसे लो फ्लेम पे गर्म करना है। अब जब तक दूध गर्म हो, तब तक एक अलग से कप में 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लो। अब उसमें पानी डालकर मिक्स कर लो। पानी डालकर मिक्स करने के बाद साइड में रख दो। वाओ, मिल्क, आई लव मिल्क। अरे नहीं, इसमें कॉर्नस्टार्च मिलाना है, तभी तो बात स्ट्रेट करेंगे। अब इसको लो फ्लेम करके उबालना है और इस तरह से चलाना है। अब देख ही सकते हैं, ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये ठंडा हो, तब तक बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लो। एप्लीकेशन के टाइम पे ध्यान से सुनना, जितना हो सके पतला पतला स्ट्रैंड लीजिए और इस क्रीम को अप्लाई कीजिए। फिर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर फॉइल पेपर से रैप कर लीजिए। गाइज, ये बात भी याद रखना, इसे सिर्फ बालों पर ही लगाना है, स्कैल्प पर नहीं। अरे टिया, हेल्प करना यार। छोड़, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। गाइज, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया है, वो बालों को इतना अच्छे से स्ट्रेटन करेगा ना कि आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। और इसमें मेन जो है वो है मिल्क। इस तरह से पूरे बालों में अप्लाई करना है और एक एक स्ट्रैंड में अप्लाई करने के बाद एक फॉइल पेपर लेकर इस तरह से बालों को रैप कर लो। इससे बाल स्ट्रेटन हो जाएंगे और ये क्रीम इधर उधर लगेगा भी नहीं और पार्लर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे बाल टूटेंगे भी नहीं। इस तरह से पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए रखो। अब मैं कैसे काम करूं? मैंने तो हेयर मास्क लगाया है। अब मैंने तो बालों को धो लिया है, अब बालों को सेमी ड्राई होने दूंगी। उसके बाद एक स्प्रे बॉटल में 1/2 कप मिल्क यानी कि कच्चा दूध लेना है। फिर उसमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल, 2 विटामिन ए कैप्सूल लेकर मिला लो। अब इसको शेक कर लो और बालों में स्प्रे करो। और ये क्लीन कॉम्ब को लेकर कॉम्ब करना है। जिस पोजीशन में स्प्रे करेंगे उसे पोजीशन में कॉम्ब करना है और इस तरह से पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए और 1/2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1/2 घंटे हो जाने के बाद फिर से वॉश करना है। अब ये मेरे बाल पूरी की पूरी ड्राई हो चुका है। अब देख ही सकते हैं मेरे बाल कितना स्ट्रेट हुआ है। क्यों, आखिर में तेरे बाल सीधे हो ही गए ना? हाँ यार, फ्रेंड्स लाइक वाला बटन। अरे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देंगे, अपने फ्रेंड्स ही तो हैं। पर तू हमेशा ज्यादा बकबक करती है।